हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यनीता। दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और इसी के साथ प्रेम के जो ढाई अक्षर हैं, इसकी परिभाषा बदल रही है, भाषा बदल रही है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्रेम शब्द की जो परिभाषा, जो भाषा, आवाम कैसे सोचती है, आवाम क्या कुछ कहती है और खास तौर पर इन प्रेम दिवस यानी कि वैलेंटाइन डेज में अब की बार मार्केट में क्या कुछ खास गिफ्ट आए हैं जो कि युवाओं ने ज्यादा खरीदे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचे हैं आवाम के बीच। अब की बार जो वैलेंटाइन डेज है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया आपने? इस बार अभी सेलिब्रेट तो नहीं किया, अभी तो सेलिब्रेट क्योंकि वैलेंटाइन तो ऑन 14th है ना। ऐसे नहीं, मतलब हम 14th के लिए ही कर रहे हैं। ओके, 14th को मेरा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है क्योंकि मेरे मामा आ रहे हैं अमृतसर से, तो मैं उनके साथ ही सेलिब्रेट कर रहा हूं। वैसे क्या मानती हैं कि जो वैलेंटाइन डे है जो वो युवाओं के बीच में या फिर लड़के लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल एक तौर पे माना जाए, कितना सही है अपने कल्चर के हिसाब से, कितना नहीं? हाँ, कल्चर के अकॉर्डिंग ठीक है, आज की जनरेशन के लिए ठीक है। पहले लोग मानते थे कि वैलेंटाइन अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि आजकल हर रिलेशन ओपन हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है आजकल। लेकिन क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्राइम्स की वजह वैलेंटाइन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ज्यादा आजादी की, वो कितनी सही आप मान रही हैं, कितना आजादी जो है उसका गलत जो यूज है वो भी हो रहा है? देखो, लिमिटेशंस हर किसी को पता होनी चाहिए अपनी क्या लिमिटेशंस है। वैलेंटाइन डे इज वेरी बेस्ट फॉर ऑल यंगस्टर्स, लेकिन ये है कि मेन की मतलब अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि उससे पेरेंट्स भी हर्ट हो और आप खुद कल को हर्ट हो। यानी कि जो आपके प्रेमी हो या फिर जो आपके माता पिता भी हो, उनके साथ भी आप जो है वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर सकते हैं। अंदर बहुत सारी लड़कियां जो शॉपिंग कर रही हैं, उनसे भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अब की बार ट्रेंड में दुकानों में क्या चीजें बिकी हैं। अब भैया, लड़कियां खरीदारी कर रही हैं यहाँ पर, ये वैलेंटाइन डे के लिए हो रही है क्या खरीदारियाँ? टॉप वगैरह, बहन टॉप है, कुर्ती है। क्या नई चीज आई है आपकी बार खास? इस बार क्रॉप टॉप चल रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग में डिस्प्ले तो है। अच्छा, डिस्प्ले दिखा रहे हैं भाई साहब के, डिस्प्ले देखिए। और ये जो क्रॉप टॉप है, ये अब की बार नए आए हैं खास तौर पे वैलेंटाइन डे के लिए। कितने बिके हैं अब की बार भैया? आज तो बहुत बिक गए थे। और दीपावली की बात करें, दूसरे त्योहारों की बात करें, तो उनके मुकाबले कितने बिके हैं? अभी तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग है ना बहन। प्रॉब्लम ये है ना, वूलन और समर की दिक्कत आ रही है, इसी वजह से थोड़ी अभी नई स्टॉक आए हैं, इसलिए अभी दिखाया जा रहा है इनको। तो आप वैलेंटाइन अपनी पत्नियों के साथ मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। अच्छा, जो युवा हैं जो आज के और जो वैलेंटाइन मना रहे हैं, तो उनके लिए सही है वो सारी चीजें, लेकिन एक आम जनता आम तौर पे एक भाई की नजरिए से आप किस तरीके से देखते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि दुकान से शॉप से दुकान, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं है क्या बाहर हो रहा नहीं हो रहा। भाई साहब जो है इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं अपने काम में कि इनको जो है बस दुकान से घर जाना, घर से खाना पीना और फिर वापस आ जाना। यहाँ पे कुर्तियां आप देख सकते हैं भैया, कुर्तियां बता दीजिए अब की बार कौन कौन सी नई आई है? ये सारी नई आई है जी, आज अब प्लाजो सेट भी चल रहे हैं आज तो हमारे, और ऐसे ऐसे नई आ रही है, बहुत खूब बिके हैं वैलेंटाइन डेज। हाँ जी, बहुत बिके है, बहुत बिके हमारी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अब की बार जो क्रॉप टॉप भी आए हैं, कुर्तियां भी आई हैं, और इस तरीके के जो जयपुरी डिजाइन है वो भी अब की बार काफी ज्यादा आए हैं और बिके भी है इनके काफी ज्यादा। तो वैलेंटाइन डे जो है ये वीक है और बाजारों में भी जो है दुकानदार जो है उनकी भी खासतौर पर बिक्रिया होती है, इनसे भी जाने। बहन जी क्या खरीदने आई हैं आप? फ्रेंड्स के लिए कपड़े। अच्छा, फ्रेंड्स के लिए कपड़े खरीदने आई हैं। वैलेंटाइन जो डे है उसको आप सेलिब्रेट करते किस नजरिए से देखती हैं? अपने अभी के साथ करती हूँ। अच्छा, आपके पति हैं, शादी कब हुई आपकी? लास्ट ईयर। जो पति ढूंढे, परिवार ने ढूंढे, आपने ढूंढे? फैमिली वालों ने ढूंढे। तो कितना अंतर आप महसूस कर रही हैं कि आजकल जो है प्रेम विवाह भी हो रहे हैं और पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता भी रहता है, तो ये कितना आप अंतर मान रही हैं आपकी लाइफ में या फिर उस लिबरल लाइफ में, उस फ्रीडम वाली लाइफ में? बहुत डिफरेंसेस होते हैं, अभी फैमिली में ये होता है बॉन्डिंग कंडीशंस हो जाती हैं, उसमें अपना चलता है, फ्रीडम रहती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले में,
सकेगी। तो ये हम किस तरीके से माने कि एक आम महिला और एक जो स्वतंत्र महिला, तो अधिकार आज की लड़कियों को मिल रहे हैं और उन अधिकारों में आप कितना मानते हैं, कितना पॉजिटिव इफेक्ट आया, कितना नेगेटिव? वही है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है तो वो पहले भी उनका पहले चलता है, हमारे शादी के बाद होता है, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जो सेम होता है दोनों का। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैसेज ये देना चाहूंगी कि अभी वैलेंटाइंस डे आप मना रहे, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो 14 फरवरी को हुआ था तो शहीदी दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए, जो कश्मीर में पुलवामा में जो हुआ था, तो आप उसको एक उसको भी लेके चलो वैलेंटाइन डे के साथ साथ। बिल्कुल, जो आज का जो दिन है वो हर किसी के लिए आंखों को नम कर देने वाला दिन भी है, क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के जवानों ने अपनी जो है शहादत दी थी। कितने जवान थे जो कि अपने घरों से निकल के तो वो ड्यूटी पर गए थे, देश की सेवा करने के लिए गए थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। वैलेंटाइन्स डे पर तोहफे लेने का और तोहफे देने का जो है वो सिलसिला भी चालू रहता है, और हम यहाँ पर हैं गिफ्ट शॉप में। बहुत सारे जो गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चॉकलेट भी यहाँ पर है और तरह तरह के गिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। युवाओं को ये जो चॉकलेट हैं, टेडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। तो अब की बार हम जानेंगे कि अब के जो यूथ हैं उनको किस तरीके के जो गिफ्ट हैं वो पसंद आए, और किस तरीके से कौन कौन से गिफ्ट खरीद के अपने जो वैलेंटाइन डे है उनको उन्होंने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर अलग अलग तरीके के गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं, जिनमें फूल भी शामिल है और कुछ और सामान भी यहाँ पर शामिल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत छोटे छोटे तोहफे यहाँ पर रखे हुए हैं, और प्यार का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक ताजमहल भी यहाँ पर है। तो अलग अलग तरीके के ताजमहल भी यहाँ पर हैं। इस ओर आप देख सकते हैं खास तौर पर लड़कियों के लिए कितने अच्छे जो गिफ्ट है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वैलेंटाइन वीक जब भी आता है युवाओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर ये गिफ्ट देख सकते हैं, जहाँ पर तोहफे कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल हैं, गुलाब के फूल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ऊपर जो है कपल्स गिफ्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कपल्स के जो गिफ्ट हैं वो कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए कितनी खूबसूरत सी जो किट्स हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, और ये बड़े ही खूबसूरत तोहफे हैं जो वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे को दिए जाते हैं, और बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ ये जो त्योहार है सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइन वीक एक तरीके से प्रेमियों का त्योहार ही हो गया। अब की बार कौन से गिफ्ट जो है वो ज्यादा बिके हैं? प्रेम वगैरह बिके हैं ज्यादा, और कस्टमाइज में ज्यादा कुछ हुआ है। तो इनका कहना है कि अब की बार जो है फ्रेम ज्यादा बिके। फ्रेम में दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर आप फ्रेम देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम जो है वो अब की बार यहाँ पर आए हैं। ये जो तोहफे हैं ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि कौन लड़के ज्यादा लेते हैं, लड़कियाँ? लड़कियाँ लड़के को देती हैं ज्यादातर। अच्छा, लड़कियाँ लड़के को देती हैं जो पीते हैं। हाँ, ये कितने बिके? ये कुछ खास सही टाइमिंग अराउंड सही है इसका भी। और कौन कौन से जो तोहफे अब की बार ज्यादा बिके हैं इनके अलावा? इसमें कुशन वगैरह हो गए, मक्स है, फ्रेम वगैरह है, वुडन के कुछ आइटम है फ्रेम, वो ज्यादा बिके हैं। आपकी जो ये गिफ्ट शॉप है, इसमें जो गिफ्ट लेने देने का सिलसिला या फिर खरीदने का सिलसिला है, ज्यादा कब होता है, इन्हीं दिनों में या फिर दीपावली दशहरे में? अधिकतर तो हमारा तो वैलेंटाइन डे का ही है काम हमारा ज्यादा। दिवाली में तो हर चीज की वो बिकता है, हर चीज भगवान वगैरह हर चीज का वो बिकता है, सीनरी भगवान सब कुछ बिकते हैं। हाँ, ज्यादातर वैलेंटाइन डे पे ही पर्पस ज्यादा होता है, लेकिन इन दिनों में जो है इनके गिफ्ट जो है ज्यादा बिकते हैं। इधर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ भी जो तोहफे हैं, पेन भी देख सकते हैं। जिनको कविताएं लिखना पसंद है, जिनको शेरो शायरी पसंद है, वो अपने जो प्रेमी है या फिर जो प्रेमिकाएं हैं वो एक दूसरे को देखे कितने खूबसूरत जो पेन है वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मग्स हैं, यहाँ पर बॉटल्स हैं, यहाँ पर जिन पर देखिए लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से अपने प्रेम को इजहार करने के लिए यहाँ पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं। कितने खूबसूरत यहाँ पर एल्बम्स भी रखी हुई हैं, और इसके अलावा जो है कृष्ण के, गणपति भगवान की यहाँ भी मूर्तियां भी रखी हुई हैं। इन मूर्तियों को भी गिफ्ट में देते हैं? हाँ, देते हैं। बास्केट है, बास्केट जो है बॉयज की और गर्ल्स की दोनों ही है। बॉयज की कौन सी है? ये
पीछे उधर। अच्छा, बॉयज की ये दिखा रहे हैं, गर्ल्स की ये हैं। क्या क्या सामान है भाई गर्ल्स? चॉकलेट है, टेडी है, बैग है और परफ्यूम है, मग्स है, पेंडेंट इयररिंग्स का सेट और वॉच है और कार। कितने से कितने तक है इनका प्राइस? ये 3900 की है। 3900 की है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो गिफ्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के गिफ्ट हैं और ये बड़ा खूबसूरत नेक पीस है। ये कितने से कितने तक बिके भैया? मैम सही बिकते सब, रुकता कुछ नहीं है। इनका कितने से कितने तक रेट है? इसका 1199 है। 1199। अलग अलग तरीके की? हाँ, सबके अलग अलग है, सबके अपने अपने प्राइस है। आपकी बारी इनमें कोई खास डिजाइन आए नेक पीसेज में? सारे बढ़िया उसमें लग रहे हैं, देख लो। तो नेक पीसेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत जो है वो डिजाइन है। और ये पर्ल्स आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं। इनके जो रेट है अमूमन वो कितने से कितने तक शुरू होते हैं? इसके यहाँ ब्रांडेड चीज है, 1199 के है। ये कस्टमाइज में, ये भी ब्रांड है, मैग्नेट वाला है। अच्छा, ये मैग्नेट वाला है, नाम हो जाता है, नाम भी लिखवा सकते हैं। अब हम इस गिफ्ट शॉप के उस कोने में आ गए हैं जहां पर लड़कियों की सबसे पसंदीदा चीजें टेडी रखी हुई हैं, और जानेंगे हमारे साथ जो भैया अमूमन इस दुकान में काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस सामान को बेचा भी है, उनसे भी जानेंगे कि अब की बार कौन कौन से जो नए डिजाइन्स हैं वो आए हैं और कौन कौन से जो टेडी हैं वो अब की बार ज्यादा बिके हैं। भैया इधर आइए, बताइए कि कौन से जो टेडी अब की बार ज्यादा पसंद किए गए हैं? देखिए मैम, नॉर्मली तो सारे टेडी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन इस बार जैसे छोटे टेडी इस टाइप के काफी चल रहे हैं, इस टाइप के कपल टेडी आते हैं, ये बहुत है। जैसे ये छोटे साइज में है, इसी में इससे बड़े साइज के भी देख सकते हो और इससे भी बड़े साइज के भी इसमें टेडी है। ये टेडी को हाथ में गुलाब लिए तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ये लेटेस्ट आया है। जैसे ये गुलाब लिए है या फिर ये डबल हार्ट के साथ है, ये सब लेटेस्ट आए हैं। तो लेटेस्ट आप देख सकते हैं, आपके वैलेंटाइन डेज पे हम टेडी अमूमन देखते थे, बैठे हुए थे, लेकिन अब के बार देखो इनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है भाई वैलेंटाइन डेज में। टेडी भी देखो दिल लिए बैठे हैं, यहाँ जो है टेडी हाथ में गुलाब लिए हुए बैठे हैं। देखिए वैलेंटाइन डेज में जो है इनकी भी एक अलग से ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग डिजाइन के तौर पर। और कौन कौन से बिके हैं? और इस टाइप के जो नॉर्मल आप देख सकते हो, इस टाइप के भी हैं टेडी जो काफी आजकल चल रहे हैं, इसी में ये काफी बड़े साइज के भी हैं जो इस टाइप के चल रहे हैं टेडी हर्ट के साथ, ये भी बहुत काफी बिक रहे हैं। इसमें छोटे साइज बड़े साइज सारे हैं। और ये बड़े साइज के मैं टेडी देख रही हूँ, इनका जो रेट है वो कितने से शुरू होके कितने में खत्म होता है भैया? 200 से स्टार्टिंग रेंज है इसमें और 6500 तक की रेंज में है, काफी बड़े साइज का है। और बिकते कितने ज्यादा है अमूमन, अगर पूरे साल भर की बात करें तो इन्हीं दिनों में ज्यादा बिकते हैं? हाँ, वैलेंटाइन पे वैसे तो रूटीन में ठीक ठाक बिकते हैं, लेकिन वैलेंटाइन पे इनकी काफी ज्यादा बिक्री बढ़ जाती है। दीपावली दशहरे के दिनों में अगर गिफ्ट्स की बात करें और वैलेंटाइन्स के गिफ्ट्स की बात करें तो इन दिनों में ज्यादा बिकते हैं? इन दिनों ज्यादा बिकते हैं टेडी, क्योंकि हर कोई चाहता कि चॉकलेट के साथ भी टेडी दे दे, या कोई गिफ्ट ले रहा है, कार्ड ले रहे तो उनके साथ टेडी देना पसंद करते हैं। इधर भी ये भैया ये क्या रखे हुए हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं लाफिंग बुद्धाज भी हैं और अलग अलग शो पीसेज वगैरह, ये भी बिकते हैं क्या? ये तो नॉर्मल रूटीन के आइटम्स हैं ये। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से, ये बात नहीं कि वैलेंटाइन जो है वो युवाओं का ही एक प्रेम त्योहार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उनके जो प्यार है, जो प्रेम है, उसको भी दर्शाया गया है। ये देखिए बेहद खूबसूरत तरीके से वो अखबार पढ़ रहे हैं और ये जो महिला है उनको चाय पेश कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो है कपल्स यहाँ पर बिठाए हुए हैं और इन्हीं के जरिए हम दिखाते हैं प्रेम, इन्हीं के जरिए हम दिखाते हैं इस प्रेम के दिनों को, इस प्रेम के त्योहार को। यहाँ पर भैया ये जो गिफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये कब कब खरीदे जाते हैं? ये तो नॉर्मल रूटीन के है, जैसे किसी को शादी ब्याह कभी भी गिफ्ट कर सकते हो आप, बर्थडे में भी देते हैं इस टाइप के आइटम्स। तो ये जो गिफ्ट्स आप देख रहे हैं ये सदाबहार तोहफे हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए कार्ड्स रखे हुए हैं, यानी कि अपने जो प्रेम है उस प्रेम का इजहार करने के लिए भी यहाँ पर कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड्स बड़े 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 हैं, मैं पहली बार ऐसे कार्ड्स देख रही हूँ क्योंकि मुझे कभी मिले नहीं। भैया कार्ड्स बताएं अब की बार कौन से जो है वो ज्यादा बिके हैं, किस किस तरह के जो कार्ड है ज्यादा बिके हैं? सारे कार्ड्स बिके हैं इसमें, ये देखो ज्यादातर लोग हस्बैंड वाइफ इस टाइप के लेते हैं, बाकी रूटीन में भी सारे कार्ड अच्छे बिकते हैं इसके।
तो ये वैलेंटाइन डे वाले दिन देते हैं या 7 दिन पहले ही दे दिए जाते हैं? नहीं, ये हमेशा चलता, पूरे 7 दिन में कभी भी आप दे सकते हो। तो देखिए कि वैलेंटाइन डे के जो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के लिए यहाँ पर कार्ड बनाए गए हैं और अलग अलग तरह के जो कार्ड है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये कटिंग वाले कार्ड ज्यादातर चलते हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपने देखे और यहाँ पर फोटो फ्रेम भी दिख रहे हैं और फोटो फ्रेम भी आप देख सकते हैं। अब की बार फ्रेम कैसे बिके भैया? फ्रेम भी ठीक ठाक है। ये नीचे आप ये जो देख रहे हैं कोलार्ज फ्रेम है, जो वैलेंटाइन से रिलेटेड है वो ऊपर है। उसमें काफी तरह के जैसे कस्टमाइज भी है, आप फोटो लगवा के भी देख सकते हो, काफी तरह के फोटो फ्रेम्स। तो हमने आपको दिखाया कि इन वैलेंटाइन डेज में किस तरीके से जो तोहफे हैं वो दिए गए और किस किस किस्म के, किस किस डिजाइन के जो तोहफे हैं वो युवाओं ने पसंद किए और कितने उत्साह से अब की बार जो है तोहफे दिए गए हैं। टेडी ज्यादा बिके हैं और अब की बार नए नए टेडी के जो डिजाइन है या फिर नए नए टेडी जो है वो मार्केट में आए हैं वो हमने आपको दिखाए। वैलेंटाइन डे आप सेलिब्रेट करते हो या नहीं? नहीं, हम नहीं करते सेलिब्रेट। कारण क्या रहा? क्योंकि ऐसे हम परिवार में भी फैमिली में भी कोई मनाता नहीं है। हाँ। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो वैलेंटाइंस डे ये इंडियन कल्चरल नहीं है तो हम इसलिए नहीं मनाते हैं। और अगर पारिवारिक तौर पे बात की जाए हमारी माओं की, हमारी काकियों की, हमारी ताइयों की, उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने हमारे पिताजी को नहीं देखा था, काका ताऊ को नहीं देखा था, तो उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ में कितना अंतर महसूस करती हो? डिफरेंस तो है उनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में। वो तब की बात थी, वो घर से भी बाहर नहीं निकलते थे और हम कॉलेज पढ़ने भी आते हैं। डिफरेंसेस तो बहुत हुए हैं। आज लड़कियों को जो फ्रीडम मिल रही है वो कितनी सही है और आप कॉलेज आती जाती हैं वो कितनी जो फ्रीडम का फायदा भी उठाया जाता है? फ्रीडम मिलना अच्छी बात है, अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां होती है फ्रीडम का गलत फायदा भी उठाती है। तो उनकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन कल्चरल है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसको सही तरीके से देखना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस हो तो जो रूल्स है उनको फॉलो करने चाहिए। कुछ भी अश्लीलता ऐसी ना फैलाए सोसाइटी में कि किसी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट हो उस चीज का। वैलेंटाइन वीक मनाया जा रहा है तो इससे हमारे समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव और पॉजिटिव भी दोनों तरीके से पड़ता है। अगर देखी जाए तो हम फैमिली के साथ भी वैलेंटाइंस डे मना सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं बॉयफ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना ऐसा जरूरी नहीं है। देखी जाए तो पिछले साल पुलवामा अटैक भी हुआ था, लेकिन ज्यादातर लड़कियां उसको भूल जाती है, फिर वैलेंटाइंस डे पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। पुलवामा अटैक की आपने बात की, हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी रही है जहाँ पर बहुत सारे हमने अपने देश के जवान खोए। तो अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो वैलेंटाइन डे हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। आज के संदर्भ में अगर वैलेंटाइन वीक की बात करें, आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, जिस तरीके से और ज्यादा लड़कियों को देखती हैं, तो क्या सोच, क्या समझ उनकी देखती हैं आप? मैं अपनी तरीके से, अपने थिंकिंग से कहूँ तो मुझे जो वैलेंटाइन डे है ये हमारी संस्कृति तो है नहीं, और ये बाहर की संस्कृति है, वेस्टर्न संस्कृति है। हमें अपने जो रूल्स हैं, जो हमारी अपनी संस्कृति, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि बाहर के देशों की फॉलो करनी चाहिए। प्रेम विवाह को देखा जाए तो प्रेम विवाह जो है बड़े सार्थक भी नजर आए हैं आज के वक्त में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हर चीज के दोनों पहलू हैं, ये नहीं है कोई भी चीज है एब्सोल्युटली मतलब रॉन्ग है या एब्सोल्युटली ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है। वो अच्छे भी हैं जी, और जिन्होंने की बड़ा अच्छा अपना जीवन निभाया है, इकट्ठे रहे हैं, हर तरह से साथ रहे हैं, वैसे हैं, बिल्कुल ठीक बात आपकी बात है। मैं मानता हूँ आपकी बात, किसी को भी। हाँ। लेकिन पहले के प्रेम में और अब के प्रेम में, और पहले का जो प्रेम का स्टाइल था वो शर्माहट हुआ करती, जैसे कि 90s की फिल्मों में हम देखते हैं कि रिश्ता जो है पारिवारिक जो सदस्य वो तय कर दिया करते, और अब जो है फ्रीडम मिली है और कहीं ना कहीं जो पहले महिलाओं के साथ जो हिंसात्मक जो खबरें सामने आया करती, जो महिलाओं की जो दमन हुआ करता, उनका शोषण हुआ करता, अब जितनी फ्रीडम मिली है तो महिलाओं के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने भी शुरू हुए हैं। महिलाओं के अधिकार मिलने से मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और महिलाओं को बराबर के हकदार मिलने ही चाहिए। लेकिन जो समाज के अंदर एक्सप्लाइटेशन की चीज आ गई वो डेंजरस है, है जी, चाहे वो मेल की तरफ से एक्सप्लाइटेशन है, चाहे वो फीमेल की तरफ से एक्सप्लाइटेशन है। और मैं खुद ये सोचता हूँ कि फीमेल कंपेरेटिवली वीकर सेक्शन था, है जी, और आज भी है, बिल्कुल, है जी।
तो उस कारण से पहले उसने मेल डोमिनेंट रहा है जी, वो मेल डोमिनेंट इसलिए रहा कि उस मेल का काम था उसको प्रोटेक्ट करने का है, तो इसलिए वो मेल डोमिनेटिंग समाज रहा। और वो आहिस्ता आहिस्ता चल के है जी इतना वर्ल्ड वाइड ही है जी, मतलब है ये मेल डोमिनेटिंग रहा कि मेल ये समझने लगा कि मेरा सब कुछ जो अधिकार मतलब इसके ऊपर है जी, वो एक जो उसका गलत पहलू में बदल गया वो जी, ऐसा जो है। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है अपने लिए मतलब है आज के युग के अंदर जो है हम किसी चीज को एब्सोल्युटली खराब तो नहीं कह सकते, क्योंकि चेंज इज द लाइफ। हमने भी बहुत कुछ चेंजेस देखी हैं जीवन में। आप तो 90s की बात करते हो, मेरी मैरिज 60s मतलब अर्ली 60s में, क्या लेट 80s लेट 8 उसमें हुई थी जी, 50s में, लेट 50s में हुई थी। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि कौन हम, वो जो घर वालों ने तय कर लिया, मतलब जिस टाइम में वो हम वो ढोका कहते थे वरमाला ये आप कहोगे, तो उस टाइम में वो ऐसे चावल फेंकने के लिए जाती थी, आती थी, देखी नहीं जाती थी वो उस टाइम भी देख नहीं सकते थे आप, मतलब इतना छुप के वो ऐसे अचानक से एकदम से आई, वो लड़कियों से घिरे हुए है, हम अपने कुछ में ही कुछ है, बस और कुछ वो था ही नहीं। तो वो एक अलग वो था, कोई भी चीज मतलब है उसके अंदर आपकी शंका बनी रहे कि क्या है क्या नहीं है, उसमें एक अलग तरह का लुभाव आता है जी, अलग तरह का प्यार उभर के निकलता है हैं। और एक चीज आपके सामने पहले ही आप मैरिज से पहले ही आप जो सब कुछ मतलब घूमा फिर सब कुछ कह रहे हो, तो ये लोग तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, बल्कि आधे तो उससे पहले इसलिए खराब हो जाते हैं कि पहले की चीजें हैं वो रियल लाइफ के अंदर पूरी नहीं कर पाते। महिलाओं को जैसे आपने बताया कि संरक्षण जो है वो कम मिल पाया हरियाणवी समाज में, और आज की अगर हरियाणवी लड़कियों की बात करें तो लड़कियां बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ रही हैं, उनके जो प्रेम विवाह जो है वो आज भी स्वीकार्य नहीं हो रहे, इसके पीछे अलग अलग सोच हो सकती है, परिवार का जो आर्थिक रुतबा है वो भी हो सकता है, या लोगों की आपसी सोच हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि आज जो प्रेम हो रहा है वो बढ़ती लड़कियों के लिए, ग्रामीण लड़कियों के लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगा? देखो बात ये है, हरियाणा के अंदर तो मैं तो आज ये सोचता हूँ कि लड़कियों की कमी एक बहुत बड़ा मतलब है मुद्दा है हाँ जी, और जिसका के सारा जो है वो ये समाज ही जिम्मेवार है हाँ जी। तो इसलिए शादियां ना होना और उनके लिए लड़कियां ठीक ना मिलना है जी, ये एक जुर्म का कारण हो रहा है बिल्कुल हाँ जी, इसका महामज है। क्योंकि देखो बिटिया बात ये है कि सेक्स नेचुरल इंस्टिंक्ट है हाँ जी, उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को कोई मतलब रोकना चाहेगा दबाना चाहेगा तो वो सबके लिए संभव नहीं है हाँ जी। ये जो आइडियलिज्म है कि मन वो क्यों हो गया क्या हो गया लड़कों ने इधर देखा, ये उसका नेचुरल वो है उसको कोई भी मतलब है दो मतलब वेदर बर्ड्स और एनिमल्स और दिस इज नेचुरल थिंग, तो इसको ऐसे मतलब है लेना है कि वो है और उसका फिर अभाव हो जाना है, तो अभाव किस में जाएगा? अभाव हमेशा क्रिमिनलाइजेशन में जाएगा। अब किसी भी चीज का अभाव होगी तो पहले अगर जो आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो रोटी क्या छीनना कोशिश कम करेगा, दूसरे की चोरी करेगा या छीन के लेगा खाएगा, पेट तो भरना है। हर जीव है वो बाई नेचर जो है प्रकृति से जो है वो जो है सेल्फिश है। क्यों सेल्फिश है? कि अगर वो सेल्फिश ना हो तो उसका जीवन संभव नहीं है रोटी खाना उसके लिए, तो इसलिए जो वो है हर चीज को खाने, इसी यही सेक्स में है, है कि उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। उस नेचुरल इंस्टिंक्ट पर कोई अगर जब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो मूर्ख है, है? तो ये हरियाणा अगर जो कुछ है वो हो रहा है वो अच्छी बातें नहीं है, पर बेसिक काज ये है कि हरियाणा में गर्ल्स की कमी होने के कारण जो है ये चीजें ज्यादा उभर के सामने आ रही है, और इन चीजों ने हमारे समाज को भी तोड़ा है। हमारे कुछ जो सामाजिक रूल थे
जिन सामाजिक रूल के कारण हमारा भाईचारा या प्रेम जो बंधन बने हुए थे, चाहे आप उसको मतलब धर्म कह लो चाहे कुछ कह लो, जैसे एक गांव के अंदर वही शादी नहीं होगी, गांव गुहांड की परंपरा, गांव गुहांड की परंपरा या गोत्र का जो था, है जी, ये इन चीजों की का चौथा महत्व था और अब भी रहना चाहिए। ये मेडिकली है आप देखोगे तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जेनेटिक बीमारियां जो हैं, अगर एक ही उसमें तो ज्यादा सेपरेट होंगी, और अगर हम कुछ किसी को निकाल देंगे बाहर कर देंगे तो वो जेनेटिक बीमारियां जो हैं वो नहीं कम आएंगी। बहुत ऐसी देखे है जिनके अंदर की जो एक ही उसमें होती हैं उनके अंदर जेनेटिक जो बीमारियां ज्यादा आती हैं। यंग जनरेशन का ये काम है कि वो उसको समझ के, वैज्ञानिक ढंग से समझ के, अपनी एजुकेशन का ठीक फायदा उठा के, कि आज हमें जो कुछ मिला है, है जी, उसका हम यूज ठीक यूज करके, है जी, और हम जो है इसका प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल हाँ। तो अंकल जी ने बड़ी ही एक संदेशपूर्ण बात कही है कि आज के युवा, भले ही वो लड़की हो या लड़के हो, हर किसी को हम हरियाणवी समाज में रह रहे हैं, हमारे जो गांव गुहांड की जो परंपराएं हैं वो हमारे परिवार से जुड़ी हुई है, वो हमारे खानदान से जुड़ी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, हमारे जो परिवार के, हमारे जो समाज के मूल्य रहे हैं, जब उनका हनन होता है तो हमारी पीढ़ियां जो आने वाली है तो उनकी स्वतंत्रता का भी हनन यहाँ से माना जाए। एक कविता की पंक्तियां थी कि जो लड़कियां भागती है, वो भागने वाली लड़कियां अपनी जो आने वाली जनरेशन है उन लड़कियों का रास्ता बंद कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आंदोलन मान लें, एक क्रांति मान लें, लेकिन इस आंदोलन, इस क्रांति, इस विद्रोह के विपरीत भी बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी, बहुत सारे ऐसे अपने परिवार के सदस्य होंगे, समाज के लोग होंगे जो कि उनसे जूझते हैं, उनके लिए एक नई समस्या का जो है जन्म होता है, उत्पन्न होता है। तो हमने लोगों से बात की और जाना कि प्रेम को वो अलग अलग किस तरीके से देखते हैं, ईश्वर का प्रेम और रूह का प्रेम और प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम, माँ का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम और परिवार वालों के लिए प्रेम और मुर्शिद के लिए प्रेम। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में जाना कि लोगों ने किस तरीके से प्रेम को पहचाना है, ढाई शब्द के इस अर्थ को किस तरीके से जाना है, पहचाना। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज, नमस्कार।